गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के मैथ्स के 16 बी के नेक्स्ट टारगेट क्वेश्चन लेते हैं 21। 21 क्या है? एक पेंटागोन है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक पेंटागोन है। ए का मिल रहा है, ओ पे मिल रहा है, बी का मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, और बी का मिल रहा है, ए बी ओ पे मिल रहा है, सी का मिल रहा है, ओ पे डी बी ओ पे मिल रहा है। तो क्या गिवन हो जाएगा? OA वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर, OB वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर, और OC वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C वेक्टर। OD वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा D वेक्टर, ठीक है। ये आपको मिल रहा है तो सारे हो गए। अब कंडीशन इसमें एक दे रखी है कि B वेक्टर माइनस A वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? C वेक्टर माइनस D वेक्टर के बराबर है। अब B को क्या लिख सकते हैं हम? OB। A को क्या लिख सकते हैं? OA। C को लिख सकते हैं OC, और D को क्या लिख सकते हैं? OD, ठीक है। अब BA कब हुआ होगा? जब ये AB वेक्टर होगा, क्लियर है। और चाहो तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक काम है, ठीक है। ये C और ये इसको AB वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? DC वेक्टर। अब AB वेक्टर किसके बराबर है? DC वेक्टर के। तो AB क्या होगा? पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? DC वेक्टर के पैरेलल होगा। सिंपल सा सम था। ये चीज हमें गिवन दे रखी थी पूरी, ये हमने डायग्राम में से फाइंड आउट कर लिया। तो हमने क्या कर दिया? OB जो है B वेक्टर कहां पे मिल रहा है? जाके OP मिल रहा है। AB कहां मिल रहा है? OP मिल रहा है। CB OP, और DB कहां मिल रहा है? OP। तो क्या लिख दिया हमने इसको? AB लिख दिया। इसको क्या लिख दिया? DC। AB बराबर है DC के, तो AB क्या होगा? पैरेलल होगा DC वेक्टर के, ठीक है। नेक्स्ट सम लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 नोट डाउन कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 है, ABC क्या है? एक ट्रायंगल है ABC, तो सिद्ध कीजिए कि इसके क्या है सेंटर, जो सेंट्रोइड है मतलब केंद्रक जो है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है, ठीक है। तो ABC सबसे पहले तो बना लेते हैं ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी सी इसका सेंटर कहाँ होगा? कहीं ना कहीं ये मिल रहा होगा आपके, तो ये हमने मान लिया कि कहाँ पे मिल रहा है? किसी पॉइंट जी पे मिल रहा है, ठीक है। जिसका क्या हो गया? ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे मिला देते हैं डी ई, और ये क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे मिल रहा है? सेंटर जी पे मिल रहा है आके, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी पे मिल रहा है, और इसके एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं? सारे किसी ओ वेक्टर पे मिल रहे हैं। मान लीजिए कि इसके पॉइंट सारे कहाँ मिल रहे हैं? हम इधर मिला लेते हैं इनको डॉट 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 करके, ये भी कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, तो इसको हम मान लेते हैं ओ। ये कहाँ पे मिल रहे हैं आपके? ओ पे। बी से भी मिल रहा है, ठीक है। कहाँ मिल रहे हैं? ओ पे मिल रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, और ये क्या हो गया? सी वेक्टर हो गया, ठीक है। हमें प्रूफ करके बताना है कि ए बी सी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आप और में क्या होगा? थ्री। सबसे पहले हमारी कंडीशन, ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? ए वेक्टर। OB वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? B वेक्टर। और OC वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? C वेक्टर। क्लियर है? अब देखिए OD निकालना है। जब हम O से D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? OD वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, B वेक्टर प्लस C वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ऐसे OE निकालेंगे तो OE जब वेक्टर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, OE निकालूंगा, ये ई मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में टू। ऐसे क्या निकालूंगा? ओएफ निकालूंगा, तो ओएफ कहां मिल रहा है? ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में टू डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि इसका भी मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखिए एडी क्या कर रहा है? ए से डी क्या कर रहा है? ए से डी में जी क्या कर रहा है? इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। AD क्या कर रहा है? इसको 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो क्या बन जाएगी इक्वेशन?
सेंटर सेंट्रोइड इसका निकलेगा, हमको सेंट्रोइड निकालना है मतलब केंद्रक निकालना है, तो हम केंद्रक निकाल देते हैं, इसका क्या हो जाएगा सेंट्रोइड केंद्रक इसका हो जाएगा 2 b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन में 2 into 1, ठीक है, b वेक्टर और c वेक्टर मिला अपॉन में क्या हो जाएगा into प्लस 1 a वेक्टर अपॉन में 2 प्लस 1, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस a वेक्टर, 1 का a में मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, ठीक है, अपॉन में 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो a प्लस b प्लस c अपॉन में 3, यही हमें फाइंड आउट करना था, हेंस रूट, ठीक है, हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में सेंट्रोइड निकाल के बताना था, जो आपने निकाल लिया सेंट्रोइड, ठीक है, क्लियर है, सेंट्रोइड क्या निकाल के बताना था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन में 3 होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने अभी कराया आपको, ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 और 23 और 24 आपका होमवर्क रहेगा, 25 ले रहा हूँ, 25 में भी क्या है, सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी, एबीसी एक क्या बनाया ट्रायंगल, इसमें भी वही पॉइंट डी ई और ये क्या बन जाएगा एफ, ये क्या है मिड पॉइंट है इसके, ठीक है, जो कहां मिल रहे हैं सेंटर पे मिल रहे हैं आके, ये मिल गया वो सेंटर, ठीक है, अब ध्यान से देखो हमें क्या प्रूफ करना है, AD वेक्टर प्लस 2 अपॉन में 3 BC वेक्टर प्लस अपॉन में 3 BE वेक्टर, सॉरी BE वेक्टर और 1 अपॉन में 3 CF वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 AC वेक्टर, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम AD निकाल लेते हैं, AD क्या निकलेगा ACD, तो AD वेक्टर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, लिख सकते हैं A से B और A से C, ठीक है, AD निकाल लिया, अब हम BE निकाल लेते हैं, तो BE क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 BE मतलब B से E तक की दूरी, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे B से E में मिल रहा है हमें BC प्लस BA वेक्टर, ये एक मिल गया, फिर हम CF निकाल लेंगे, CF भी क्या आएगा 1 अपॉन में 2 और क्या बन जाएगा CB प्लस CA, क्या बन जाएगा CB प्लस CA, अब ध्यान से देखेंगे सारे मैंने जो क्वांटिटी निकाले CF, तो C से F ये मिल रहा है तो CA और CB, ठीक है, अब इन जो वैल्यू को निकाला है इसको क्या करेंगे, इनमें पुट करेंगे LHS साइड में हम RHS उसको लाके बताएंगे, ठीक है, AD की जगह क्या रखा तो ध्यान से देखेंगे 1 अपॉन में 2 AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर 2 बाय 3 B की जगह क्या रखा 1 बाय 2 BC वेक्टर प्लस BA वेक्टर प्लस 1 अपॉन में 3 इनटू 1 अपॉन में 2 CF क्या रखा CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ठीक है, ये हमने रख दिया सारी चीजें पुट कर दो, ठीक है, अब देखो 1 बाय 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास रिमेनिंग बचा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, एक काम करते हैं सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड भी कर देते हैं, फिर कॉमन एक साथ निकाल लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन में, ठीक है, किससे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ठीक है, सॉरी 3 into 3
3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड ठीक है AB plus AC इसको कर लेते हैं सॉल्व क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 2 1 जा 2 3 2 जा 6 ठीक है BC plus BA यहां पे भी प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 1 अपॉन में 6 क्या बचा रिमेनिंग CB plus CA ये रिमेनिंग बन गया अब देखिए कुल मिला के 1 by 6 सब में से कॉमन आ रहा है 3 से 3 काट जाएंगे या 2 से 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 3 by 3 से मल्टीप्लाई और 3 by 3 2 जा 6 हो जाता है और 2 हो गया तो यहां से हम निकाल रहे कॉमन 1 by 6 निकालेंगे ठीक है एक मिनट ये 1 by 6 कॉमन निकला रिमेनिंग ऊपर बच गया 3 AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस यहां से भी क्या निकालेंगे हम 6 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा 2 ठीक है अब देखो यहां पे क्या बचा रहेगा 3 3 से 3 भी अगर कट जाता है तो बचेगा हमारे पास 1 by 3 1 by 3 ठीक है तो 1 by 3 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से ठीक है देखिए अब इसमें से मैंने 3 जैसा कि मैंने बताया 3 क्या करा 3 by 3 से मल्टीप्लाई और 3 by 3 से डिवाइड पूरी इक्वेशन में करा है ध्यान से देखेंगे 1 by 6 कॉमन निकाल लिया ठीक है 3 2 जा 6 कॉमन निकल गया अब रिमेनिंग क्या बचा ये देखिए ये तो पूरा 3 2 जा 6 बाहर निकल गया 3 से 3 कैंसिल क्या बचा केवल 2 BC वेक्टर प्लस CB BA वेक्टर हो गया ठीक है यहां पे 1 by 6 बाहर 3 बन जा 3 3 बन जा 3 क्या बचा रिमेनिंग CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर रिमेनिंग पोर्शन बाकी रह गया ठीक है अब देखिए 1 by 6 को एज इट इज ले लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 AB वेक्टर प्लस 3 AC वेक्टर 2 BC वेक्टर प्लस 2 BA वेक्टर CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर ये हमने कर दिया अब देखिए 3 AB plus 3 AC plus 2 BC plus 2 अब इनको हम करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं 3 AB 3 AC 2 BC ये तो सही है उनकी डायरेक्शन चेंज करता हूं जब इनकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे ये BA तो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा ये क्या हो जाएगा BC और ये क्या हो जाएगा AC उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी अब ध्यान से देखेंगे आप 3AB में से 2AB गया क्या बचा AB 3AC में से 1 BC गया क्या बचा 2AC 2BC में से 1 BC गया 3AC में से 1 AC गया 2AC 2BC में से 1 BC गया क्या बचा BC वेक्टर अब देखिए AB और BC वेक्टर AB और BC वेक्टर किसके बराबर होगा AC वेक्टर के बराबर होगा तो जिस पर टिक कर रहा हूं AB और BC ये किसके बराबर होंगे दोनों AC वेक्टर के और यहां पे 2AC पहले से ही ऑलरेडी है यहां पे आप लिख देंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू होता है AC वेक्टर ठीक है क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 6 3 AC वेक्टर 2 और 1 3 3 बन जा 3 3 2 जा 6 क्या आंसर आ गया हमारा 1 अपॉन में 2 AC वेक्टर RHS हमने LHS लिया था उसको RHS यूज करके बता दिया ठीक है फिर से एक बार चेक आउट कर लेंगे सिंपली AD DE और CF निकाला हमने तीनों को पुट कर दिया इसमें बस कॉमन निकालते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 3 2 जा 6 हुआ 1 by 6 सब में से कॉमन निकाल लिया 3 2 जा 6 हुआ 6 हुआ 1 by 6 सब में से कॉमन निकाला जो बचा उसको रहने दिया और अंदर मल्टीप्लाई
अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड चेंज क्या चेंज करें, इन तीनों के डायरेक्शन चेंज करें, एक दो और तीन के। बी था तो क्या कर दिया, ए बी कर दिया, बी सी था तो क्या कर दिया, सी डी था तो क्या कर दिया, बी सी कर दिया, सी ए था तो क्या कर दिया, ए सी कर दिया। डायरेक्शन चेंज करने के बाद से हमें क्या मिला, ये चीज बची। ए बी और बी सी किसके बराबर होता है, ए सी के, दो और एक क्या हो गया, थ्री ए सी, और कैंसिल कर दिया, हमारा डेट आंसर आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब 16C, तो 16C इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फटाफट होती जाएंगे, तो 16C हम कल से करेंगे, 16C हमारी। ठीक है, थैंक यू।